नमस्कार मित्रों, जय सियाराम। मित्रों, मेरे यूट्यूब चैनल विराट ज्योतिष चिंतन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कुंडली में अपने विषय में जानने के साथ साथ अपने परिजनों के सुख दुख को कैसे जानते हैं। मित्रों, किसी भी व्यक्ति की जन्म पत्री का अवलोकन या अध्ययन करके न सिर्फ उसके बारे में बल्कि उसके परिजनों के सुख दुख के बारे में जाना जा सकता है। कोई भी ग्रह और कुंडली के कुछ निश्चित भाव जातक के साथ साथ उसके परिजनों पर भी प्रभाव डालते हैं। इस वीडियो में हम संक्षेप में इसी बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं, सबसे पहले स्वयं के बारे में कैसे जानेंगे। अपने विषय में अपने परिजनों के संबंध में जानने के लिए कुंडली में निश्चित भाव होते हैं और वर्तमान स्थिति को जानने के लिए हम ग्रहों के गोचर पर ध्यान देते हैं। तो अपने विषय में जब आपको जानना हो तो फिर लग्न, लग्नेश, गुरु, तृतीय भाव और अष्टम भाव को देखेंगे। लग्न, लग्नेश व गुरु, तृतीय भाव व अष्टम भाव पर गोचरवश जब भी अशुभकारी प्रभाव पड़ता है तो फिर व्यक्ति को दुखों से गुजरना ही पड़ता है। एक और तरीका है अपने विषय में जानने का कि कुंडली का जो अष्टम भाव है और अष्टम यानी तृतीय भाव है, ये आयु का भाव है। इन भावों पर और इनके स्वामियों पर गोचरवश पाप ग्रहों का प्रभाव अच्छा नहीं होता। तो जब भी जन्मकालीन कुंडली में जिस राशि में शनि स्थित होते हैं और उस राशि से अष्टम भाव की राशि में शनि गोचरवश ट्रांजिट करें तो फिर जातक को कष्ट उठाने ही पड़ते हैं। अब बात करते हैं मित्रों पिता के विषय में विचार करने का। पिता का विचार जन्म कुंडली में नवम भाव से किया जाता है। नवम भाव के साथ साथ सूर्य पिता का कारक होता है। तो जब भी गोचरवश सूर्य और नवम भाव से पाप ग्रहों का गोचर हो या इनके त्रिकोण भाव से पाप ग्रहों का गोचर हो तो फिर पिता को कष्ट उठाना पड़ता है। इसी तरह माता के विषय में विचार करने के लिए कुंडली का चतुर्थ भाव और चतुर्थ भाव का कारक और माता का कारक चंद्रमा पर हमको विचार करना चाहिए। गोचरवश जब भी चंद्रमा से चतुर्थ भाव में या चतुर्थ भाव से चतुर्थ भाव में किन्हीं पाप ग्रहों का गोचर होता है तो फिर वो माता के स्वास्थ्य को हानि पहुंचाता है। चंद्रमा से अष्टम भाव में भी पाप ग्रहों का गोचर माता के स्वास्थ्य की हानि करता है। मित्रों, भाइयों का विचार करते समय कुंडली का तीसरा भाव देखना चाहिए और तीसरे भाव का कारक होता है मंगल। तीसरा भाव और मंगल छोटे भाई बहनों का कारक होता है। मंगल से छोटे भाई के विषय में जानते हैं। तो जब भी कुंडली का तीसरा भाव पाप ग्रहों के प्रभाव में आए या मंगल से राहु जैसे पाप ग्रहों का गोचर हो तो फिर छोटे भाई को दिक्कत उठानी पड़ती है। पुत्र का विचार करने के लिए कुंडली का पंचम भाव होता है। पुत्र के विषय में विचार करने के लिए पांचवें भाव में स्थित शुभ और अशुभ ग्रहों को आधार बनाकर हम संतान के विषय में जानते हैं। इसके साथ साथ हमें कुंडली में गुरु की स्थिति को भी ध्यान देना होता है। यदि पांचवें भाव से राहु केतु जैसे ग्रहों का, शनि जैसे ग्रहों का गोचर हो रहा है और साथ साथ बृहस्पति से भी 6, 8, 12 स्थानों में पाप ग्रहों का गोचर हो रहा है,
तो वह समय संतान के लिए अच्छा नहीं माना जाता। वैसे भी जन्मकालीन कुंडली में पंचम भाव में यदि शनि, राहु, केतु जैसे ग्रह बैठे हैं तो फिर वह संतान सुख में कमी ला देते हैं। मित्रों, स्त्री का विचार करने के लिए हम कुंडली का सप्तम भाव देखते हैं और स्त्री का कारक ग्रह होता है शुक्र। तो स्त्री के विषय में विचार करने के लिए सप्तम भाव और शुक्र की स्थिति का अवलोकन या अध्ययन करना चाहिए। कभी भी शुक्र से 6-8 में पापक ग्रहों का गोचर हो रहा हो या सप्तम भाव से पापक ग्रहों का गोचर हो रहा हो तो पत्नी को कष्ट उठाना पड़ सकता है। पति का विचार करने के लिए हम सातवें भाव और मंगल पर विचार करते हैं। तो यदि मंगल से भी राहु जैसे, शनि जैसे ग्रहों का गोचर हो रहा है तो फिर वह कालखंड पति के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। मामा के विषय में विचार करने के लिए कुंडली का छठा भाव और बुध उत्तरदायी होता है। यदि बुध पर पापक ग्रहों का प्रभाव है, छठे घर से पापक ग्रहों का गोचर हो रहा हो तो वह कालखंड मामा के लिए अच्छा नहीं होता। तो मित्रों, आशा है मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगले वीडियो में मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक जय सियाराम, नमस्कार।